हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा अलंकार लेके आया हूँ जो आपकी हारमोनियम के ऊपर उंगलियों की स्पीड को बढ़ा देगा, जिससे आप बड़ी आसानी से तेजी से हारमोनियम बजा पाएंगे। तो अलंकार का जो पैटर्न है, एक एक स्वर छोड़ के चलेंगे। पहले आप इस अलंकार को देख लीजिए, फिर इसको मैं बजाने का सही तरीका बताता हूँ, आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। अलंकार है, आपको एक एक स्वर छोड़ के चलना है। सा के बाद गा, सा गा, रे मा, गा पा, मा धा, पानी धा सा। खाली आपको एक दफा ऊपर ही जाना है इस अलंकार में। देखिए मैं एक दफा गा के बजा के दिखा देता हूं आपको। सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा। अभी इसको बजाना कैसे, सबसे पहली जो कोशिश रहेगी आप इस अलंकार को, इसको खाली एक ही दफा ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर दोबारा नीचे से शुरू कर देना है। बजाने का जो तरीका रहेगा, आप सॉफ्ट हैंडेड बजाओ, बिल्कुल आराम से स्मूथली। कम से कम इस स्पीड में आप 20 से 25 बार दफा बजाएंगे इसको। इसके बाद आप इसी अलंकार की स्पीड बढ़ा देंगे, यानी कि थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। जब आपकी ये स्पीड आ जाए, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी कीबोर्ड पे जा फिर मेट्रोनोम चलाना है। अभी जो मेट्रोनोम की जो स्पीड मैं रख रखी है, ये 180 की स्पीड है। सबसे पहली कोशिश क्या करेंगे, हम इसको एक गुन में बजाएंगे, फिर तुरंत दुगुन में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको अभी 180 की स्पीड में बजा के दिखाया। आप इसको धीरे धीरे 200, 250, 300 इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, तो जिससे आपकी स्पीड, आपकी उंगलियों की जो स्पीड है, वो दो ही दिन, अगर आप दो ही दिन इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हो, तो दो ही दिन में आपकी एक्सरसाइज जो बजाने का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपकी हाथ उंगलियां वो खुल जाएंगी हारमोनियम के ऊपर, आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से तेज़ी से बजा पाएंगे। तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए।